एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुजहत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी करेक्शन है। कल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने सरगम कौशल की बात करी थी, राइट? और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये बन गई हैं मिसेज वर्ल्ड 2022। और कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो इंडिया से, ठीक है। तो वहाँ पर शायद मैंने आपको ये बता दिया था कि ये मुंबई से बिलोंग करती हैं, लेकिन एक्चुअली ये मुंबई में रहती हैं, ये मुंबई बेस्ड हैं, ठीक है। लेकिन असल में ये कहाँ से हैं? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा सा करेक्ट किया, शायद बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये इंडिया से हैं और इंडिया से भी जम्मू एंड कश्मीर से, मुंबई में सिर्फ ये रहती हैं, मुंबई से बिलोंग नहीं करती हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मुंबई बेस्ड हैं लेकिन बिलोंगिंग टू मुंबई गलत हो जाएगा। तो सॉरी, मेरी गलती है, मुझे थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए यहाँ पे। और सेकेंड पॉइंट एक और था, हमने लियोनेल मेसी की बात की थी। लियोनेल मेसी के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था? कि इन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट प्लेयर एट फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से शायद मैंने बैट बोल दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली गोल्डन बैट अवार्ड यहाँ नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा ये गोल्डन बॉल अवार्ड है, ठीक है। और इसके अलावा दो पॉइंट्स और हमने क्या पढ़े थे? किलियन मबापे, अब यहाँ तक आए हैं तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। किलियन मबापे को मिला था गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। और थर्ड प्लेयर हैं इसमें एमिलियानो मार्टिनेस, इनको गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो अर्जेंटीना ने ये वर्ल्ड कप जीता है, किस कंट्री को हरा के? तो फ्रांस को, ठीक है। तो ये छोटा सा करेक्शन था जो मुझे यहाँ पे बताना था। गलती से मैंने यहाँ पे बैट बोला था आई थिंक, लेकिन यहाँ पे बॉल होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि आप पूरे सेशन में अटेंटिव रहते हैं, और अगर मुझसे इन केस कोई गलती हो जाती है तो आप उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं हम आज का। Which country is the host of special negotiation round on three of the four pillars of Indo-Pacific Economic Framework in February 2023? Actually, India जो है ये host करेगा जो next special negotiation round है Indo-Pacific Economic Framework का, उसको कब? February 2023 में, ठीक है। IPEF को lead कौन करता है? USA। और India जो है host रहने वाला है on three of the four pillars, ठीक है। एक्चुअली IPEF में टोटल चार पिलर्स होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें ट्रेड, फिर सेकेंड है सप्लाई चेन, थर्ड है टैक्स एंड एंटी करप्शन, और इसके अलावा फोर्थ है क्लीन एनर्जी, ठीक है। और जो फर्स्ट एवर इनकी इन पर्सनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी सितंबर 2022 में, उसमें इंडिया ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ तीन पिलर्स को ही ज्वाइन करेंगे, कौन कौन से? ट्रेड को हटा के बाकी ये तीनों, ठीक है। तो याद रखिएगा फरवरी 2023 में इंडिया जो है इसके स्पेशल नेगोशिएशन राउंड का होस्ट रहने वाला है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इन चार पिलर्स में से कौन से एक हमने ज्वाइन नहीं किया है, तो वो ट्रेड है, फाइन। देखिए, इसके अलावा फिनेंस मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया का जो GDP ग्रोथ है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-23 वो कितने पे रहा, मतलब उसका ओवरऑल एवरेज कितना रहा? तो ये है 9.7%, ठीक है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल ये मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जबकि ये मैंडेटरी होता है बाय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और रीज़न इन्होंने क्या बताया कि जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन को डिसरप्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि फिनेंस मिनिस्ट्री के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया का GDP ग्रोथ फर्स्ट हाफ ऑफ 2022-23 में कितना रहा, तो ध्यान में रखिएगा ये वैल्यू है 9.7%। आप इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले सेक्शन में जाके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी जनरेटेड मोस्ट नंबर ऑफ जॉब्स अंडर द PMEGP स्कीम इन द करंट फिस्कल ईयर? सबसे पहले इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है?
प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने इस स्कीम के अंदर में सबसे ज़्यादा जॉब्स अपने स्टेट में जनरेट किए हैं करंट फिस्कल ईयर में। तो याद रखिएगा, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये स्कीम किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसको इम्प्लीमेंट करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो 2008 से अगर हम बात करें तो 62,808 जॉब्स क्रिएट हुई हैं बाय 7,851 असिस्टेड प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है जम्मू एंड कश्मीर ने जनरेट की है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन बिल्ड द अर्नाला द फर्स्ट शिप ऑफ 08X ASW SWC प्रोजेक्ट। तो अर्नाला जो कि फर्स्ट शिप है इस प्रोजेक्ट में, इसको बिल्ड किया है GRSE ने इंडियन नेवी के लिए, और हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है एट लार्सन एंड टुब्रो इन चेन्नई, ठीक है। और इस शिप का नाम अर्नाला क्यों रखा गया है? ताकि जो स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम इंपॉर्टेंस है आइलैंड ऑफ अर्नाला की, उसको बेसिकली सिग्निफाई किया जाए, ठीक है। और अर्नाला कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था 8 ASW SWC शिप्स को डेवलप करने का, ये साइन हुआ था बिटवीन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड GRSE। फुल फॉर्म क्या होता है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, ठीक है। और कब हुआ था? 2019 में। और अर्नाला क्लास की जो शिप्स हैं, बेसिकली ये हमारी अभय क्लास की ASW शिप्स को रिप्लेस करने वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको कौन बिल्ड करता है? GRSE। फुल फॉर्म क्या होता है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम है 2022 in 9 charts, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि दुनिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है, और ये 1970 से अब तक का स्टीपेस्ट स्लो डाउन है, जिसमें कि 685 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए हैं बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है। और इसी के साथ जो 2022 है, ये सेकेंड वर्स्ट ईयर रहा पॉवर्टी रिडक्शन के पर्पज से पिछले दो डिकेड्स में, और फर्स्ट कौन सा ईयर था? तो ये था 2020, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे सिंपली कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में 2022 in 9 charts नाम की एक रिपोर्ट रिलीज करी है, तो ये है वर्ल्ड बैंक। और बहुत बार हमने आपको बताया है कि जो भी इस टाइप के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन है, अगर वो रिपोर्ट रिलीज करते हैं तो उनकी रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम वन द प्लैटिनम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 फॉर देयर इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज। कौन सी स्कीम है जिसने हाल ही में प्लैटिनम आइकन जीता है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में अपने इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज के लिए? तो सिटी सीरीज आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इस क्वेश्चन में, आंसर आपको पता चल गया होगा, स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। इन्होंने हाल ही में प्लैटिनम आइकन जीत लिया है इस डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में अपने इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज के लिए, जिसमें इन्होंने बात करी थी कि सिटीज़ को एम्पावर करना चाहिए थ्रू डेटा, ठीक है। और इस स्कीम ने जीता है अंडर डेटा शेयरिंग एंड द यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 2009 में। और इसका एम था इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस को इनकरेज करना बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, ताकि जो डिजिटल इंडिया विजन है हमारा उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन ने प्लैटिनम आइकन जीता है कहाँ पे? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में अपने इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कैटेगरी में जीता है, तो याद रखिएगा डेटा शेयरिंग एंड द यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तनकी नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड ऑन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है इन तनकी नेशनल पार्क कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लाया करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेशनल पार्क किस वजह से न्यूज़ में आया था, क्योंकि हाल ही में 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जाइंट टर्टेस जुवेनाइल्स को सॉफ्ट रिलीज किया गया है इस प्रोटेक्टेड इन तनकी नेशनल पार्क में, जो कि नागालैंड में लाया करता है, ठीक है। और ये पहला ऐसा मॉनिटर्ड रिवाइल्डिंग है इस स्पेशीज का इंडिया में। साथ ही याद रखिएगा कि जो एशियन जाइंट टर्टेस हैं,
ये सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं इन मेनलैंड एशिया, और इसके अलावा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पेशीज। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। इन धनकी नेशनल पार्क क्योंकि न्यूज़ में था तो ये एज अ स्टैटिक जीके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट में लाया करता है। ये नागालैंड में है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एशियन जाइंट टर्टल्स हैं ये IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। कौन सा स्टेट है जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में लॉन्च किया है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट को अपने स्टेट के 19 सिटीज और टाउन्स में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा सभी घरों में 24 घंटे, और इस स्कीम के तहत एटलीस्ट 5.55 लाख पीपल इस 19 सिटीज में बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है, याद रखिएगा ये ओडिशा का है। नेक्स्ट है, एज पर द अर्थन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स विच स्टेट टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स विद पासपोर्ट। तो अर्थन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है कंट्री के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा पासपोर्ट हैं लोगों के पास, मतलब वहां के लोग सबसे ज्यादा अवेयर हैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए और ऑलमोस्ट सबके पास है। तो इस इंडेक्स के मुताबिक केरला ने टॉप किया है इस पर्टिकुलर रैंकिंग को। ठीक है, मतलब केरला में सबसे ज्यादा ऐसे सिटीजन्स हैं जिनके पास पासपोर्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं टोटल 22 कंट्रीज में, जिसमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज बहुत सी आती हैं लाइक नेपाल, भूटान, मॉरिशस, फिर कुछ कैरेबियन कंट्रीज आती हैं। इसके अलावा दो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, दो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन कंट्री है सिर्फ, कौन सी है ये, सर्बिया। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि 22 कंट्रीज में हम वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं अपने पासपोर्ट से, और ध्यान में रखिएगा कि केरला में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस चेयरमैन पैनल। तो राज्यसभा चेयरमैन मिस्टर जगदीप धनकर ने हाल ही में नॉमिनेट किया है लेजेंडरी फॉर्मर एथलीट एंड MP PT उषा को टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स इन द अपर हाउस। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक नॉमिनेटेड मेंबर अपॉइंट हो रही हैं वाइस चेयरमैन के पैनल पे। ओके, इसके अलावा एक और नाम है जो इंपॉर्टेंट है, विजय साई रेड्डी, इनको भी नॉमिनेट किया गया है PT उषा के साथ साथ इस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा PT उषा ऐसी पहली नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा की जो कि वाइस चेयरमैन पैनल पे अपॉइंट हो रही हैं। इसके अलावा PT उषा पिछले दिनों भी न्यूज में थी, किस लिए, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। तो जो फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंदर में जो हाल ही में डिलीवर हो चुकी है इंडियन नेवी को, उसका नाम क्या है, अब से ये पूछा जा रहा है। तो मेज़ाकॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि जो फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन थी वगीर, इसको इन्होंने डिलीवर कर दिया है इंडियन नेवी को, और इसको डेवलप कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, प्रोजेक्ट 75। ठीक है, अब ये कमीशन कब होगी सर्विस में, जनवरी मंथ में। ठीक है, और ये जो सिक्स्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी जिसका नाम था वगशीर, हमने देखा था कि इसको लॉन्च किया गया था इसी साल 20th of April 2022 में, और अब ये अपने ट्रायल्स में है फिलहाल। ठीक है, तो वकीर जो है ये एक तरह की आप कह सकते हैं एंटी सरफेस एंटी सबमरीन इंटेलिजेंस गैदरिंग माइन लेइंग एंड एरिया सर्विलांस मिशंस को अक्वायर करने वाली सबमरीन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि टोटल कितनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इसमें डेवलप होने वाली थी, तो टोटल 6 थी, रेस्ट 4 कौन है, फर्स्ट है इसमें INS कलवारी, फिर सेकेंड है INS खंडेरी, फिर थर्ड है INS करंज, फोर्थ है INS वेला, फिफ्थ थी INS वगीर, और लास्ट है INS वक्शीर। तो ये 6 जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर की जा चुकी हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रूरल डेवलपमेंट। तो किनको इनमें से हाल ही में पहला रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है रूरल डेवलपमेंट में इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत? तो ये हैं सत्रिचम संगतम। ठीक है, और ये एक NGO बेसिकली रन करते हैं जो कि फार्मर्स के साथ काम करती है
इन ईस्टर्न नागालैंड, ठीक है। और ये जो प्राइज है इसको इंस्टीट्यूट किया गया है इन मेमोरी ऑफ रोहिणी नैयर, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने प्लानिंग कमीशन के साथ काम किया था। तो ध्यान में रखिएगा, ये है सेत्रीचेम संगतम। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी वॉज रैंक एट द टॉप पोजिशन इन द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जो फर्स्ट पोजिशन पे रहा? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोजेक्ट इम्पेरेटिव टुडे के साथ मिलकर हाल ही में रिलीज किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसमें से पुडुचेरी जो है टॉप पोजिशन पे रहा। इसमें इसका स्कोर कितना था? 65.99। और पुडुचेरी को फर्दर फॉलो किया है लक्षद्वीप ने सेकेंड पोजिशन पे, और थर्ड पे था इसमें गोवा, ठीक है। और अगर टॉप थ्री परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट था शिमला हिमाचल प्रदेश से, फिर सेकेंड था सोलान, ये भी था हिमाचल प्रदेश से, और थर्ड इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? एजॉल, ये कहाँ से है? मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो टॉप थ्री कौन से हैं इसमें? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट टॉप थ्री पूछेंगे तो शिमला, सोलान एंड एजॉल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि हाल ही में जो नेपाल की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने इंडिया की 16 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमें कि दिव्या फार्मेसी भी आती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करती हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो अथॉरिटी ने बताया कि ये जो कंपनीज हैं ये कंप्लाई नहीं करती हैं WHO के ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को, इसी वजह से हमने इन्हें ब्लैकलिस्ट किया है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जिसने इंडिया से 16 फार्मा कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो ये कंट्री है नेपाल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्विक सिराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो इंडियन मेंस डबल पेयर सात्विक सिराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अचीव कर लिया है वर्ल्ड नंबर 5 की रैंकिंग इन द BWF वर्ल्ड रैंकिंग्स, ठीक है। इसके साथ इन्होंने 2 वर्ल्ड टूर टाइटल्स जीते थे, क्योंकि कौन कौन से? इंडियन ओपन सुपर 500 और नेक्स्ट फ्रेंच ओपन सुपर 750, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड जीता था एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके अलावा इन्होंने ब्रोंज जीता था एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। और याद रखिएगा HS प्रणय ये जो है वर्ल्ड नंबर 9 हो चुके हैं, और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु एक बार फिर से 6th पोजीशन पे मेंटेन है, ठीक है। तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हो गए? बैडमिंटन से। किस वजह से न्यूज़ में थे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिविजन सेशन की तरफ। कौन से 3 कैटेगरीज आज हम रिवाइज करेंगे? सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी देखेंगे फर्स्ट नाम की, ठीक है, जिसमें हम सब कुछ जो फर्स्ट में आता है उसको कवर कर लेते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स की, और लास्ट में बात करेंगे कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा? तो हाल ही में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन बन गए हैं? ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज मिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और अगर आपसे पूछेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन बने हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये कौन है? डॉक्टर मनोज चौधरी, ठीक है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट ल्यूनार रोवर राशिद? तो अरब वर्ल्ड का पहला ल्यूनार रोवर जिसका नाम है राशिद, इसको लॉन्च किया है UAE ने, और इसी के साथ UAE 4th कंट्री बन गई है पूरी दुनिया की जो कि मून पे लैंड कर चुकी है। हकुतो आर लैंडर इज द फर्स्ट एवर मून मिशन ऑफ विच कंट्री? ये पहला मून मिशन है जापान कंट्री का। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग? तो इस मीटिंग के लिए कौन सी सिटी होस्ट थी? ये है बेंगलुरु सिटी। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? ये है तमिलनाडु, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है कि ये कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाहते हैं 2070 के पहले, और 2070 ही क्यों? क्योंकि ये हमारा नेशनल टारगेट है, ठीक है, मतलब जो नेशनल टारगेट है उससे भी पहले ये अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने अपनी एक डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को रिलीज किया है। दीना बोलवाटे वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड
एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डीना बोलुआर्टे हाल ही में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं पेरू कंट्री की, और इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किया है पेड्रो कैस्टेलो को. बर्नार्ड अर्नोल्ड, हु रैंक फर्स्ट इन द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर लिस्ट, इज फ्रॉम विच कंट्री? बर्नार्ड अर्नोल्ड फर्स्ट पोजिशन पे थे इस फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनेयर लिस्ट में, और ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं. और याद रखिएगा, इसमें सेकेंड पोजिशन पे कौन थे? ये हैं एलोन मस्क. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स की. सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सबसे पहले सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, और इस साल के लिए वेन्यू भी नेपाल कंट्री थी. इंडो कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काज इंड 2022 इज ऑर्गेनाइज एट विच इंडियन स्टेट? याद रखिएगा, काज इंड कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है, और ये हाल ही में कहाँ पे हुई थी? मेघालय स्टेट में. एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज हेल्प बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है, और याद रखिएगा वेन्यू भी इंडोनेशिया था इस साल का. अग्नि वॉरियर इज अ बायलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज हेल्प बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? अग्नि वॉरियर जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, और अगर आपसे वेन्यू पूछते हैं इस साल का तो याद रखिएगा वो था महाराष्ट्र स्टेट. इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो युद्ध अभ्यास कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इंडिया और यूएसए, और इस साल ये कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में. हरिमो शक्ति 2022 इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? हरिमो शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच की एक्सरसाइज है. इंडियन नेवी कंडक्टेड द नसीम अल बहर एक्सरसाइज विद विच कंट्री? नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच होती है. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कीन स्वर्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इसके लिए होस्ट है जापान कंट्री. ठीक है, और याद रखिएगा कुछ दिनों पहले मालाबार 2022 भी कमेंस हुई है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? इंडिया, यूएसए, जापान, और फोर्थ कंट्री है ऑस्ट्रेलिया. फाइन, अब लास्ट में बात करते हैं कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस की. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023? इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट था? ये है कर्नाटका. विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा केरला. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? तो इसके लिए होस्ट था कैनेडा, मॉन्ट्रियल यहाँ पे बेसिकली. ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? इसके लिए होस्ट थी नई दिल्ली. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड द सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पीछे किया था, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु. विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? इसके लिए होस्ट थी वाराणसी सिटी. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? आंसर हो जाएगा मुंबई. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022? इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट था गोवा, और ये इसका 9th एडिशन था. ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट होस्टर कॉन्फ्रेंसेस जो हमें याद में रखना है. ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो अब हम मंडे को मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह मंडे के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मीनू सहस्रनाम साइनिंग ऑफ.